दादा ये वाला मकान है हमारा, जरा देख लो एक मिनट। अब आइए इधर आ जा। दादा ये वाला मकान है हमारा, जरा देख लो एक मिनट। अब आइए इधर आ जाओ। ये बैठिए भैया, भाई भैया यहीं बैठिए आप, पहले यहाँ बैठ जाओ, दादा के पास बैठ जाओ। भाई बैठ जाओ इधर आ। वेलकम टू न्यू ब्लॉग, और आज का ब्लॉग फिर से स्टार्ट मैंने कर दिया। आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है, और आज है 1 अप्रैल। तो पहले यार क्या क्या होता था 1 अप्रैल को, लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे थे, बोलते थे 1 अप्रैल हो गया और मैंने उनको बेवकूफ़ बना दिया है। बट आजकल ये कुछ ट्रेंडिंग चीज़ें कोई करता नहीं है। हाँ, तो फिलहाल मैं रेडी हूँ एज इट हमेशा के जैसे, और रेडी होके ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। जब मैं कहीं जाना होता तो मुझे याद आता है, हाँ तो ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया मैंने। एक्चुअली अर्जुन का स्कूल का सिलेबस लेने जा रहे हैं, अर्जुन ये स्कूल में जा रहे हैं तो उनका सिलेबस लेना था, तो मैं चेक कर रही हूँ उसमें मनी कितनी है, सिलेबस लाइक है या नहीं है, क्योंकि 2-3 पार्ट्स होते हैं तो सब अलग अलग रहता है। तो फिलहाल चलो हम लोग चलते हैं। और अभी मैंने अपने इसमें नाइट लैंप लगवाया, छोटा सा बल्ब 10 रुपये वाला लगाया, और इससे बहुत अच्छा मतलब इफेक्ट आ रहा रूम में। जैसे अगर रील्स बनानी हो बॉम्ब वाली तो चल जाएगा, इसको बंद करती हूँ तो ऐसे और ऐसे अच्छा है ये। तो अज्जू का सिलेबस लेना है तो अज्जू जा रहे हैं सैन जाने स्कूल, और चलो लेट्स गो चलते हैं अर्जुन पर। और अज्जू बहुत एक्साइटेड है, पर मुझे बहुत टेंशन है कि अज्जू अकेला जाएगा बस से, देखते क्या होता है अज्जू रोए ना स्कूल में। अवेलेबल नहीं, मतलब ख़त्म हो गया है, मतलब ये माना हमारी चैंपियन के लिए, और अज्जू आप बहुत गोला खाने के लिए। तो कहते हैं ना कि आजकल इतना कंपटीशन हो गया बच्चों की पढ़ाई के लिए, मतलब क्या होगा आगे चल के मुझे नहीं पता, बट मैं देखती हूँ। अच्छा है, अच्छा होता है ठंडा। आज के सारे काम लगभग हो गए हैं, वो बज गए हैं 11:30 और 11:30, हाँ 11:30, और लास्ट काम रहता है उनको दूध देने वाला था। उनको देखते देखते रात पता नहीं कब हो जाती, मैं तो सोचती हूँ मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, और फिर मुझे तब भी दिन काम लगता है, और काफ़ी रात हो गई है, 11:30 बज के आई थिंक, आप देख सकते हैं घड़ी पीछे लगी हुई है। जस्ट मैंने अपनी कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी फिनिश की है, क्योंकि थोड़ा सा पी लेते थोड़ी एनर्जी रहती है और मैं अपने काम कर पाती हूँ। फिलहाल थोड़ी स्किन के अंदर हेयर केयर था, मतलब हेयर केयर तो कुछ नहीं था, बालों को थोड़ा टाई कर लूँगी जिससे कि उलझे नहीं, तो इनको कॉम करके टाई कर लूँ, वरना ब्लैंकेट्स वगैरह में बाल उलझते बहुत है, और
थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी। अन्य मतलब एक मैं ऐड देख रही थी टीवी पे, वो नहीं जो एवर यूथ ग्लो वाला जो आता पील मास्क आता, तो मेरा बहुत मन कर रहा था ना कि मैं भी लगाऊं उनको देखते मतलब, तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा इजी वाला काम कर लेते। तो मैं पील मास्क खरीदने गई, अगर मैं चाहती तो मैं बड़ा पैक खरीद सकती थी, बट मैंने 15 रुपीज़ वाला ख़रीदा है। मैं इसको ट्राई करूँगी, ये 8 ग्राम है, इस पर 15 रुपये का आता है और ये एवर यूथ का है और इसमें 24 कैरेट गोल्ड है, समझ रहे हैं आप, 24 कैरेट गोल्ड है, आप एकदम गोल्ड जैसे चमकने लगेगी। तो सोचा मैंने थोड़ा सा स्किन केयर में इसको ऐड कर लेती हूँ और थोड़े से मुझे नोट्स बनाने हैं, तो मैं नोट्स भी बना रही हूँ, बुक्स में लेके आई हूँ। और सच बोलूँ तो मैं बहुत थक जाती हूँ, तो फिर मुझे लगता है जब मुझे थकान लगती है तो मैं सोचती हूँ फेस पे कुछ पैक वगैरह लगा लूँ तो वो एकदम एनर्जी सी आ जाती है, थोड़ी सी थकान दूर हो जाती है। बस इसीलिए मैं अपनी स्किन केयर को मोस्टली रात में करती हूँ और आप भी अपनी स्किन केयर की आदत को डालें। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि आप, मैं परफेक्ट हूँ डेली करती हूँ, नहीं नहीं, हाँ एक दो दिन छोड़ के मैं ज़रूर कर लेती हूँ क्योंकि मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ अपना स्किन केयर करने। ये रोज टोनर मैंने 2 बनाए थे, 1 ख़त्म हो गया, 1 ये बचा है। हाँ, लेकिन आपको मैं एक सजेशन दूँगी कि इसको थोड़ा ही बनाएं, ज़्यादा मत बनाएं क्योंकि फिर स्मेल करने लगता है। तो ये मैं इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँगी क्योंकि 7 से 8 डेज़ हो गए हैं और बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा लगता है इसको लगाने के बाद। चलो करती हूँ स्किन केयर से नोट्स बना लेती हूँ, बातें तो होती रहेंगी। कौन कौन से वीडियो बनाने हैं तो वो प्लान कर रही थी क्योंकि आज मैंने ना कोई वीडियो डाला है ना कोई शॉर्ट डाला है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ ऐसा वीडियो, ऐसे वैसे वीडियो मैं डालूँ जैसे कि लिपसिंग वाले वगैरह ना डालूँ, कुछ अच्छा ही डालूँ और ट्राई कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डालूँगी नहीं, हो सकता मे बी जब मेरे पास कोई वीडियो नहीं होगा तो मैं डाल सकती हूँ लिपसिंग वाले वीडियो जो रील्स वगैरह के होते हैं, अदरवाइज कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा अच्छा करूँ। तो फिलहाल मैं आ जाती हूँ अपने ब्लॉग पे और इसको सूखने में लगेगा 30 मिनट, तब तक करते हैं और काम। गया है, बोल भी नहीं पा रही हूँ, यार किस तरह दर्द हो रहा है।
निकाल के आती हूँ, ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, इतना दर्द भी नहीं हो रहा है, इसको निकालती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ। कुछ तो हुआ है फेस पे, मतलब ऐसा लग रहा है मतलब फेस की डर्ट निकल गई है, मतलब थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, थोड़ी थकान से दूर होगी, अगर अंदर की आत्मा जागृत हो गई, सोने वाली भी आत्मा चली गई है, और मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा, और अच्छा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा अपनी स्किन थोड़ी ग्लोई ग्लोई सी और नहीं एकदम अच्छे लग रहा, टच करो तो सॉफ्ट टच लग रहा है। और मैं फिर धुल के आई, उस पर लिखा था अगर आप रिक्वायर्ड हो, मतलब अगर कुछ रह जाता चिपचिपा टाइप का, तो धुल सकते हैं, अदरवाइज आप बिना धुल भी काम जला सकते हैं, पर मैंने धुल लिया है क्योंकि मुझे लगाना था अपना नाइट क्रीम। और ये पता ना, मैं सब चीज़ें मंगा रखती हूँ और बहुत ही कम, जितनी बार आपको वीडियो में दिखता है उतनी बार मैं लगाती, मुझे याद आ जाता है, अदरवाइज तो मैं कभी दूध की मलाई, कभी कुछ ऐसे जो हाथ में आ जाता है, कभी बोरोलिन, मतलब जो भी मुझे सामने दिख जाता, पर्टिकुलर मैं नाइट क्रीम नहीं लगाती हूँ, सिर्फ नाइट क्रीम ही लगाती हूँ। ये सब मतलब जब मुझे याद आ जाता कि हाँ रखिए तो उसको यूज़ कर लो। और ये बट ये नाइट अच्छी है, एक बार अगर आप नाइट क्रीम लगाना चाहते हैं तो उसको ट्राई कर सकते हो, जो की है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ये पैराबिन फ्री है, तो मतलब ये अच्छी है स्किन के लिए, बहुत अच्छी है। और ये 3 साल तक चलती है, अगर आपने इसको खोल लिया तो ये 3 साल तक आप इसको रख सकते हैं अपने पास, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, मेरे जैसे आलसी लोगों के बहुत अच्छा है। और ये बोलते ना क्या बोलते, रिपेयर आपकी स्किन को करेगी, फ्लॉलेस बनाएगी, रेडियंस कॉम्प्लेक्शन को करेगी, मतलब ओवरऑल जब मैं यूज़ करी तो मुझे अच्छा लगा। और ये सारे प्रोडक्ट ऐसा है ना कि मतलब सब मुझे ना फ्री मिलते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आप लोगों से, लेकिन फ्री मुझे नहीं मिलते हैं, मेरे हस्बैंड को एक्चुअली डॉक्टर, तो मतलब उसके थ्रू मुझे कंपनी के थ्रू मेल हमको करना पड़ता है और वो हमें रिसीव हो जाते हैं प्रोडक्ट, और जो कंपनी के जो मेल करवा के वो सारे प्रोडक्ट मुझे मेल कर देती तो रिसीव हो जाते हैं। और ये सच में बहुत अच्छी, जब से मैं इनको यूज़ करी तो मैंने मार्केट से कुछ ख़रीदा नहीं है, और जब कुछ ख़रीदने जाती तो मुझे सब कुछ महंगा लगता है। स्मेल इतनी अच्छी है, ये रोज़ वाला टोनर है, यानी किम्बर वाले का थोड़ा मुझे लगता है मेडिसिन जैसा स्मेल आता है, बट इसका जो स्मेल यार ऑसम, टू गुड। मैंने स्किन केयर कर लिया यार, सच में स्किन केयर के जो रिलैक्स मिलता है, ऐसा लगता है ना कि 10 क्विंटल का वजन चेहरे से निकल गया, बहुत अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं ग्लो भी कर रही स्किन, यार अच्छा है, आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। मैंने बहुत दिनों बाद ट्राई किया, आई थिंक याद भी नहीं है मुझे, मैंने आई थिंक 7 साल से पहले इसको ट्राई किया था, इसके बाद शायद मैंने इसके बाद एक आधी बार और ट्राई किया, मैंने आई थिंक 2-3 साल से इसको नहीं लगाया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर होम रेमेडी आप लगाती है आपको पता है, पर मैं इनसे दूर भी नहीं हूँ, ना मैं किसी को ये बोलूँगी कि आप लोग मत यूज़ करिए, आपको जैसे रिक्वायरमेंट आप वो चीज़ें वैसे यूज़ करिए। हाँ, लेकिन ये नेचर से जुड़े रही, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते जो साइड इफ़ेक्ट नहीं देती हैं, आपकी स्किन को क्योर करती है, बस में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है होम रेमेडी का। और अगर इंस्टेंट वाला आपको चाहिए तो आपको ये चीज़ें दे सकती हैं, तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, मैं किसी के खिलाफ भी नहीं बोल सकती, ना मैं बोलना चाहती हूँ और बोला ही कि मुझे फ़िलहाल, लेकिन मैं मेरा पर्सनल फेवरेट है कि मैं नेचुरल चीज़ों से ही करूँ, जिससे मेरी दादी वगैरह की, अगर नानी वगैरह की, अगर मम्मी, मेरी माँ करती थी, मेरे माँ के बाल बहुत लंबे, कमर से नीचे काले थे एक्चुअली, वो तो हमेशा रीठा सिकाई से धोती थी, तो मैंने उनको देखा है, मतलब उनके बाल इतने सुंदर थे, इवन जब मैं रीठा सिकाई यूज़ कर रही थी मेरे बाल बहुत अच्छे थे, अब तब भी मेरे बाल उतने अच्छे नहीं, लेकिन फ़िलहाल मेरे बाल पहले से बढ़ गए और हेल्दी भी है, मैं ऐसे नहीं कह सकती मेरे बाल हेल्दी नहीं है, तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, पर धीमे धीमे स्लो बढ़ता एंड इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हो गई हैं और आज का काफ़ी टाइम हो गया है, अगर मैं आप लोगों से बात करती रही तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और आप लोगों भी का टाइम जाएगा, जो भी वेस्ट हो जाएगा आपका भी। और क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा मैं अपने और चीज़ों पर ध्यान दे लेती हूँ, और होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो की रीच पड़ी है। मैं तो कुछ बोलने की लायक ही नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँ, आप लोग इसकी सब्सक्राइब करो या देखो या इसको शेयर करो, मुझे खुद नहीं पता चलता मेरे चैनल को किसकी नीड है, बट हाँ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसको देखें, पसंद करें, लाइक करें, मतलब लाइक इन द सेंस पसंद कर, मतलब लाइक करें मतलब ऑब्वियस, और
शेयर जरूर करें और वीडियो को कम से कम 3-4 से 5 मिनट तक देखें। बस इतना ही चाहती हूँ। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।